नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभा कपिल अपने चैनल क्रेजी कुकिंग विद अनुभा में आप सबका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूं दालमोठ नमकीन की बहुत ही आसान सी रेसिपी। ये दालमोठ घर में हम बहुत ही आराम से बना सकते हैं और इसको बनाने में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसके लिए लिए है ये दाल, इसको साबुत मलका भी कहते हैं, मलका मसूर भी बोलते हैं, और ये इस तरह की होती है। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, ये दाल मैंने ली लगभग 1 कप, आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने 1 कप दाल ली, इसको पानी में मैंने भिगोया और साथ में इसमें डाला मैंने आधा चम्मच बेकिंग सोडा या मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, ओके। और इसको मैंने रात भर भिगा रहने दिया। सुबह के टाइम इसको मैंने निकाला, पानी से अच्छे से साफ़ किया, अच्छे से धो लिया इसको। धोने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर छलनी पर रखा, छलनी पर रखने के बाद फिर मैंने इसको निकाल लिया एक सूखे साफ टॉवल पे, किसी भी कपड़े पे निकाल लीजिए। और इसको लगभग मैंने 2 घंटे 1 घंटा छोड़ दिया ऐसी खुली हवा में, धूप में नहीं रखना है। और आप देख सकते हैं कि इतनी देर बाद इस काफ़ी सूखी सूखी हो गई, इसका पानी सारा रिमूव जैसा हो गया। तो फ्रेंड्स, अब बनाने हैं हमें इसके दाल मोठ वाली नमकीन। और हाँ, साथ में मैंने इसके में जो मसाले मिलाएंगे वो मैंने इस तरह से ये लिया है। इसको यदि आपने मेरी चने की दाल वाली वीडियो देखी हो, अभी जो मैंने लास्ट शेयर की थी, तो उसमें आपने देखा हो मैंने मसाला किस तरह बनाया था। और यदि नहीं देखी तो मैं इसको बनाने के जिसके इंग्रीडियंट्स हैं वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस स्टोव पे रखा तेल, ये तेल काफ़ी गर्म हो चुका है, हाई फ्लेम पर मैंने रखा हुआ है और बहुत तेज गर्म हो चुका है। और कभी भी ये आप कढ़ाई को जिस पैन में आप ये बना रहे हैं ना, उसको ज़्यादा तेल ना भरें, ऊपर तक ना भरें, क्योंकि जैसे ही हम दाल डालेंगे ये एकदम ऊपर उठेगा, स्प्लैश हो सकता है। इसलिए बहुत केयरफुली हमें एक तो तेल कम डालना है कढ़ाई में और हमें केयरफुली ही डालना है। तो अभी हम एक बैच की दाल इसमें डाल देते हैं। ये देखिए मैंने इसमें डाली और अब इसको छेड़ेंगे नहीं, थोड़ी देर में ये बनने के बाद ऊपर उठ के आ जाएगी। जो इसमें बबल्स उठ रहे हैं ना, बड़े बड़े बबल्स हैं, ये कम होते चले जाएंगे और दाल ना ऊपर उठ जाएगी और एकदम क्रिस्पी और एकदम कुरकुरी दाल ये बनकर तैयार हो जाएगी। और दाल अभी दिख भी नहीं रही है, अभी देखिए ये दाल अपने आप दिखनी शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं जैसे जैसे बबल्स कम होते जा रहे हैं, दाल उठकर ऊपर आती जा रही है। और मैं इसको अब थोड़ा सा इसको घुमाऊँगी, मैंने पहले इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा था, अब मैं इसको हल्का सा घुमा दूँगी। और आप चाहें तो देख सकते हैं इसका एक दाना आप लेकर देख सकते हैं कि ये कच्चा तो नहीं है। और आप देख सकते हैं ये देखिए बिल्कुल आराम से बन गया है। गैस स्टोव में कर देती हूँ सिम और इसको मैं निकाल लेती हूँ बाहर। मैं इसको निकालने के लिए क्या कर रही हूँ, एक ही ले रही हूँ इस तरह की छलनी और इसमें निकाल रही हूँ ताकि सारा तेल भी बाहर निकल जाए और ये आराम से बाहर निकल सके। और फ्रेंड्स, इस छलनी को थोड़ी देर के लिए रखूँ मैं किसी भी बॉल के ऊपर ताकि जिसका जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाएगा। और उसके बाद फिर इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी टिश्यू पेपर पर। तो फ्रेंड्स, अब मैंने वो निकाल ली है दाल और मैंने उसको गैस से फिर से फ्लेम हाई कर दी और फिर से तेल को तेज़ गर्म कर दिया। इसके लिए तेज़ गर्म हमें रखना होगा तेल और फिर से बहुत केयरफुली दाल में डाल दी। इस तरह करते करते मैं सारे पैचेस की दाल निकालूंगी। आप देख सकते हैं ये बननी शुरू होगी। अच्छा फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी मिला सकते हैं इसके मसाले में। तो फिलहाल मैं इसको इस तरह से बना लेती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये बन गई है। इसके लिए मैं 2 छलनी को भी यूज़ कर सकती हूँ, इस तरह से आए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1 छलनी से निकालना है छोटी छलनी से और बड़ी इसमें डाल सकते हैं, चाहे तो आप कच्ची से भी निकाल सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंस हो। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सारी दाल निकाली टिश्यू पेपर पर, जितनी चिकनाई है सब इस पर आ गई है और ये काफ़ी सूखी हो गई। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी दबा सकते हैं जितनी भी ताकि एक्सेस ऑयल है इसमें निकल जाए, ओके। और अब मैं इसको कर रही हूँ ट्रांसफ़र एक और दूसरे बॉल में और इस बॉल में मिला रही हूँ मैं ये मसाला, मैंने जो चरी दाल की नमकीन बनाने के टाइम बनाया था। और बाकी मसाला आप अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब देख लीजिए, कम ज़्यादा जितना आप चाहें। और बाकी उठा के रख दूँगी, जब कंज्यूम हो जाएगी फिर दोबारा बनाऊँगी दाल, तो उसमें काम रहेगा। और बस इसमें फ्रेंड्स मैं क्या ऐड कर रही हूँ, इसमें थोड़ी सी मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये तीखी नहीं होती है, बस इससे थोड़ा सा कलर आ जाता है। और मैं इसको अच्छे से कर देती हूँ मिक्स। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये मैंने कर ली मिक्स और ये दाल मोठ भी बनकर है तैयार। आप चाहें तो 2 दाल को मिलाकर बना सकते हैं इस तरह से, खाली दाल मोठ भी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी तरह से आप मूंग की दाल की भी नमकीन बना सकते हैं, सेम मेथड यही रहेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ट्राई कीजिएगा, इन्जॉय कीजिएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मिलते रहेंगे इसी तरह से, तब मिलते हैं तब तक के नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माई वीडियो।